24 घंटे चैलेंज करने के बाद में आज बारी है गाइस क्यूटी से ऑटो रिक्शा की और आज का हमारा चैलेंज है कि हमको ऑटो रिक्शा के अंदर रहना है गाइस पूरे 24 आवर्स के लिए। देखते हैं कि क्या हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे। फटाफट से शुरू करते हैं। आप सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैलेंज स्टार्ट होता है इन 3 2 1 बैठो। घुस जाओ। हो गया गाइस शुरू। और इस रिक्शा के अंदर ही रहना पड़ेगा। ये रिक्शा हमारे लिए अब जेल बन चुका है अगले 24 घंटे के लिए। अरे यार इसमें तो एसी फैन कुछ भी नहीं है गाइस। हम अंदर बैठ तो गए हैं लेकिन कुछ भी नहीं पता कहाँ जाना है क्या करना है। और तुमको रिक्शा रिक्शा चलाना आता है? आता है मुझे। आता है ना। 4 साल ऑटो चलाया। 4 साल ऑटो चलाया। तुमने कितने साल चलाया? मैंने 1 साल। ये हो गया गाइस रिक्शा स्टार्ट। रिक्शा को निकाल रहे हैं बाहर। बैठ दे। पहले मैं ड्रेस पहन लेता हूँ अदरवाइज पुलिस हमको पकड़ सकती है भाई। और हम नहीं चाहते कि पुलिस हमको पकड़े। मुझे चलाने नहीं आता है रिक्शा। अरे यार मैं कई दिन में चला रहा हूँ यार भाई साहब, इसलिए मेरे थोड़ा चल नहीं पा रहा सही से। और भाई भिड़ते ही हम लोग आ चुके हैं WTP के सामने। इसके अंदर कोई हेलमेट नहीं लगता, ये सही है। लगभग 1 घंटा रिक्शा चलाने के बाद में थोड़ी थकान हो चुकी है, इसलिए 2 मिनट का रेस्ट कर रहे हैं। पूरा शरीर अकड़ गया क्योंकि इसमें ज्यादा जगह नहीं है भाई पीछे। जी भाई साहब ले राजा, आगे ले राजा, आगे गाइस भैया कह रहे हैं आगे ले लो, तो थोड़ा सा आगे लेते हैं रिक्शा को। और गाइस जहाँ पे हम खड़े थे उस वहाँ पे एक गार्ड भैया ने हमें बोला कि इसको आगे हटा लो। उसने पहले बोला आगे कर ले इसको, फिर हमने नहीं किया, फिर बोला अरे आगे कर ले इसको। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना भाई ट्रेन के बराबर भगा लूंगा। भाई तो मेरा तो फुल स्पीड पे चल रहा है, मेरा तो फुल स्पीड पे चल रहा है भाई। 150 की स्पीड पे चल रहा है मेरा तो। किधर से आए थे अपन? ओके भाई ट्रेन रह गई है भाई पीछे। घोषणा मैं करता हूँ इस प्रोग्राम पर आज दोस्तों कुछ भी भाई फुल स्पीड में चल रहे हम लोग 50 की रफ्तार पे अभी फिलहाल यहाँ पे। और गाइस ये है हमारे सामने पत्रिका गेट। भाई अभी अभी मैंने ऑटो का स्टेयरिंग छोड़ दिया। मरना तेरे को डर नहीं लगता? स्टेयरिंग छोड़ दे, ऑटो ऐसे ऐसे करने लग गया। अमित भाई प्यास लग रही है यार, पानी पिला दो पहले। अरे यार प्यास तो मुझे लग गई सबसे ज्यादा भाई, मेरा मुंह सूख गया। भैया भाई साहब एक पानी की बोतल, पानी की बोतल दे देंगे। ले वो मैं दिखा गई तेरे को। मिल गया पानी फाइनली। बहुत ज्यादा ठंडा यार, जयपुर के लिए इतना ठंडा पानी पीते हैं भाई? जो जयपुर से बताओ यार। मजा है। अरे यार मेरे तो दांत ही ठंडे हो गए सारे। एक बिल्ली को अंकित ने म्याऊ बोला, बिल्ली ने अपना म्याऊ दिखा दिया अंकित को। अरे बहुत बढ़िया। नाजुक पाड़े पीछे बैठे हुए हैं। चुप कर पे कुत्ते। ये देखो ये नहीं पाड़ा, ये था पाड़ा, ये देखो। मेरा माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। ये देखो ये था पाड़ा। अंकित म्याऊ करिए एक बार। ये बताएगा देखना सुअर कैसे बता।
गाइस हम लोग बीच में ही फंस चुके हैं। ये देखो यहाँ पर मैं इस वाली लेन में घुसना चाह रहा था इधर से निकल के, लेकिन घुस नहीं पाया क्योंकि इधर भीड़ आ गई ऑलरेडी और इसीलिए हम लोग बीच में रह गए एकदम। भाई ट्रैफिक जाम में ही आइसक्रीम मिल चुकी है हमें। भाई साहब जो भी देना तीन देना। भाई साहब ये रोड कहाँ जाती है आगे? जीटी जाती है। भाई ले तो लिया आइसक्रीम पर खा नहीं सकता, रोक के ही खाना पड़ेगा। मैं थक चुका हूँ बहुत ज्यादा। बाहर से पन्नी नीली थी लेकिन अंदर जो है ऑरेंज कलर की आइसक्रीम है इसके अंदर। इसमें पता है भाई एक चीज लिखी हुई है, ये देखो ये क्या होता है भाई? नीचे कमेंट में बताना किसी को पता हो तो। भाई ये लोग देखो भाई कैसे ऑटो, बिल्कुल ऑटो ड्राइवर लग रहे हैं जैसे ऑटो वाले हो भैया। और वो दो लोग सवारी बैठी है पीछे। भाई कुछ वाला बिल्कुल ऑटो वाले लग रहे हो। ऐसे कह रहा सीधा जाना लेफ्ट रखो। अरे सीधा जाना तो सीधा रखा जाएगा ना यार। और भाई हम लोग इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं भाई। भाई ऑटो वाले भैया इनको डायरेक्ट है यहाँ पे। वाह क्या मुस्कुराहट है। देखते हैं 24 घंटे इनके लिए कैसे होते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पानी के लिए तो रोका था लेकिन रिक्शा को आराम के लिए नहीं रोका भाई, वो तो काम के लिए रोका था, अब आराम के लिए रोका है भाई। जब मैं ऐसे करके बैठता हूँ ना बिल्कुल जगह नहीं बचती है। देखो साइड में रिवर्स गियर है जो कि दिख नहीं रहा अभी, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पकड़ना पड़ेगा गाइस। समझ रहे हो आप? ये ना भाई ये आ गया रिवर्स, ये रिवर्स गियर है, ये छोड़ा तो नीचे फ्रंट गियर लग जाता है। बारिश वारिश आ जाए तो उसके लिए पीछे ये पर्दे की व्यवस्था भी है। और अब थोड़ा सुकून सा लग रहा है काफी देर के बाद में रुक के यहाँ पे। काफी देर बैठने के बाद में अब हम लोग जाएंगे अल्बर्ट हॉल। और अभी तो गाइस हमको 4 घंटे ही हुए हैं, पता नहीं कैसे निकलेंगे 24 घंटे यार। और भाई ये है अल्बर्ट हॉल। और भाई जिस भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं ना बस वहां से गुजर ही रहे हैं। भाई मेरे को रुक के देखना था। भाई अब थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और अब भूख भी बहुत ज्यादा लगने लग गई है क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है। अरे तुम तो आराम से बैठे हो यार। और हम लोग आ चुके हैं फिलहाल मैकडी के ड्राइव थ्रू में, देखते हैं कि रिक्शा से ड्राइव थ्रू में जा सकते हैं कि नहीं गाइस। तो भाई हम लोग रिक्शा से आ चुके हैं ड्राइव थ्रू पे फिलहाल। भाई साहब 3 मैक वेजी और 3 कोक भी दे दीजिए। अरे न्यूट्रल हो जाए यार, हमारे पास पैसे मांग रहे, बताओ इसके तो ऑर्डर कर रहे हैं। भाई साहब रिक्शा में लेने आते हैं आपके पास में लोग? यहाँ पर रिक्शे वाले से ऑर्डर करा रहे हैं बताओ। तो भाई हमने कर दिया है अपना बर्गर ऑर्डर। रहने वाले भाई मत भिड़ा दिया यार, हमारा रिक्शा तुमसे महंगा है, इसमें मत भिड़ा देना यार क्योंकि नैनो लाख रुपए की आती है, ये 3 लाख का आता है भाई। तो भाई अब आएगा हमारा ऑर्डर। ड्राइव थ्रू पे लग चुका है ऑटो, मुझे नहीं लगता ऑटो से कोई भी आता होगा ड्राइव थ्रू पे। ये देखो भाई ड्राइव थ्रू पे ऑटो खड़ा है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, थैंक यू। पकड़ो भाई भाई बाकी ऑर्डर में 2 मिनट लगेगी, जब तक मैं अपनी कोका कोला तो पी लेता हूँ भाई। गाइस क्या आप कभी रिक्शा में ड्राइव थ्रू लेने गए हो? हम खड़े हैं फिलहाल, कोल्ड ड्रिंक तो आ चुकी है बट बर्गर्स नहीं आए हैं। अलग क्या मेरे मुंह में घुसाएगा? मेरी कोका कोला छीन के ले गया वो मुझे कोई पास। ओए मेरी कोका कोला दे वापस। और भाई वो गाड़ी वाले सोच रहे हैं कि ऑटो वैसे ही खड़ा है। थैंक यू। मोहित एक बार लाइट बंद कर, एक बार जादू दिखाऊं।
जादू दिखाऊं? हाँ। ये देखो। अरे वाह भाई वाह, डिस्को लाइट जल चुकी है भाई ऑटो की। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं विधानसभा मंत्रिमंडल से बातचीत करने, बर्गर खाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और गाइस इन्होंने इंडिकेटर दे रखा है लेफ्ट साइड का, लेकिन ये जाएंगे राइट 100% में, हो सकता है राइट जाएंगे। भाई यहाँ आकर के रुके हैं ताकि चाय पी पाए आराम से। भाई साहब तीन चाय। तो गाइस विधानसभा आ चुके हैं, उम्मीद है आप सभी का वोट हम सभी को मिलेगा और हम लोग चुनाव जरूर से जीतेंगे। आप सबका साथ हमेशा बनाए रखिएगा। रिक्शा से विधानसभा जाएंगे जीतने के बाद, ऑटो रिक्शा से, और फिर वहाँ पे बर्गर खाएंगे। अरे बर्गर खाना थोड़ी जरूरी है। जरूरी है। चीयर्स भाई आप सभी को विधानसभा का बर्गर की मुबारकबाद। भाई चाय आ चुकी है यहाँ पर। हमको चाय पिए बिना मजा आता ही नहीं है किसी भी चैलेंज में, किसी भी दिन। भाई साहब अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है रिक्शा चलाने की, तो मोहिते तू चला ले भाई आगे। पीछे गया भाई, क्या आ गया भाई। अब हम तीनों लोग पीछे बैठे हुए हैं, ये देखो। पैर नीचे मत रख देना, पैर नीचे रखा चैलेंज से बाहर हो जाएगा, रेस मार के करना पड़ेगा। तो भाई अभी मोहित चला रहा है ऑटो और मैं पीछे शांति से बैठ गया, और भाई आगे एक्चुअली में जगह नहीं है। भाई पीछे तो बहुत जगह है, ये देखो यहाँ तो बहुत जगह है पैर फैलाने की, और हमारा कचरा भी अंदर ही, हमने डस्टबिन देख रहे हैं इसके लिए। अब मैं थोड़ा सा अरे 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 इतना झटका मत दे मोहित। वो कहाँ पे एड्रेस दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ यार। मोहित फुल काट दे, फुल 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 भाई कट जाता है ये तो, थोड़ी सी जगह में कट जाता है, देखो घूम गया। भाई हमको पूरी रात इस ऑटो के अंदर गुजारनी है, इसीलिए हम लोग कुछ ओढ़ने का जुगाड़ अभी लेना चाहते हैं, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगा। बोल 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 जी। हमको दो खेस चाहिए ओढ़ने के, होते हैं ना वो, चाहिए दो दे दीजिए चद्दर ओढ़ने वाली, एक जैसे दो दे दो, एक जैसे दो दे दो। ऐसे बोल रहा है कि अंदर आ जाओ ना तुम, हम अंदर ही तो नहीं आ सकते, दिक्कत ही तो यही है। अच्छा इसमें दो हैं, एक में ये ओढ़ने वाला है कि बिछाने वाला है? ओढ़ने वाला, ओढ़ने वाला। मच्छर वच्छर तो नहीं खाएंगे इसमें? अरे नहीं, सॉफ्ट क्वालिटी है, इनको सॉफ्ट क्वालिटी है। ये वाला ही दे दो, यही दे दो। ओ अंकित इधर आ, ये ज्यादा महंगा लगवा रहा है भाई, मैं कराता हूँ कम। कितने का लगाओगे? और क्या रेट है, फिक्स रेट है हमारा। देखो हमारा इसी से बनता है, लगा लो हमारे भाई, 1980 की दुकान है और एकदम दुकान। अरे तो जयपुर का हूँ मैं, तुम क्या सिला? अरे मैं क्या कर रहा हूँ आपको, यहाँ हमारे यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी है इस दुकान की, ज्यादा वाला सिस्टम है ही नहीं हमारे, इसकी चलती नहीं है यहाँ पे भाई, यहाँ किसी की नहीं चली। लाओ जी अंकल जी। अंकल हमारे सिस्टम ये शुरू से ही है, हमारा फैक्ट्री आउटलेट अगली बार आओगे ना तब पक्का कम करूंगा। ठीक है साहब, सेव सेव भैया सेव, तीन से ज्यादा मत लाना भैया। भाई साहब 25 रुपए किलो है, 200 ग्राम दे दो। गाइस ये थाईलैंड वाला नोट है, यही रखा, यही देता हूँ 1000 बात का। ये आ गई मूंगफली, अरे ले लो यार भाई साहब। घर का खुला नहीं है भाई साहब, इतनी बड़ी दुकान है आपके पास। इतना पाकिस्तान का है तो ये दो, इतना काम ही नहीं होता है। अच्छा इतना काम नहीं होता, अपना नोट देखते तो आंखें चमक जाती हैं सबकी। और गाइस यहाँ पर जो ड्राइवर है वो ही खुद कैमरा पकड़ रखा था अभी। और ये अंकित ने पकड़ रखा है, ये दूसरा कैमरा है, ये तीसरा कैमरा है, ये चौथा कैमरा है, पांचवा, ये छठा, ये सातवा, ये आठवा, ये नवा, ये दसवा। गाइस घूमते फिरते हम लोग पहुंच चुके हैं हवा महल, ये है हमारा रिक्शा। और इधर है गाइस हवा महल, ये देखो गाइस। गाइस इसके अंदर बहुत सारे झरोखे हैं जिसमें से हवाई हवा आती है। ये देखो गाइस अब ये सिंगल फ्रेम में आपको दिखेगा पूरा का पूरा हवा महल। चलो गाइस हवा महल को बाय बाय करते हैं और चलते हैं यहाँ से अब। और मोहित चला रहा है भाई मार्केट में रिक्शा, और हमको लग रहा है गाइस डर। और गाइस ये देखो, ये है जयपुर की मार्केट, अलग अलग तरीके का सामान मिलता है यहाँ पे। जब दो लोग लड़ते हैं ना तो तीसरे मजे लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ गाइस। मोहित ने भी बहुत सारा रिक्शा चला लिया और अब हम ज्यादा बोर हो गए थे, चला चला के भी गए थे, इसलिए मोहित तो पीछे ही आ गया, चला ही नहीं रहा। मोहित चला ना, अभी नहीं चलाऊंगा, थक गया बहुत ज्यादा यार। पंचर हो गई क्या बाइक आपकी? हाँ, यहाँ से लो, यहाँ से राइट लो, राइट लेके सीधा जाना।
टंकी पे बैठ के चलाओ, टंकी पे बैठ के। तो भाई हम लोगों का प्लान है लगभग एक डेढ़ घंटे यहीं रुकने का। सोचो भाई हम लोग इस रिक्शा के अंदर आज दिन से हैं, हमको 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं रिक्शा के अंदर। मोहित ओ भाई साइड में लगा ले यार कहीं अभी। भाई बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो भाई फाइनली ऑटो रुक चुका है और अब कुछ नहीं करेंगे, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है, अब हमें नींद आ रही है। मुझे तो आ रही है कम से कम, तेरे को आ रही है? अंकित ओए वो चद्दर निकालना पीछे से, इसको छुपा लो, रात को नींद आ जाए कोई उठाना ले जाए इसको। और कुछ नहीं तो कम से कम नई चद्दरें तो मिल गई ओढ़ने की। अभी तो पैर ही ढक रहे हैं, अगर ज्यादा ठंड लगी तो ऐसे करके पूरे भी इसके अंदर पैक हो सकते हैं जैसे फिलहाल मैं हो गया हूँ। ठीक है गाइस गुड नाइट, मिलते हैं आपसे सुबह। The next morning. भाई साहब 3 जूस दे दो मौसमी के, मीडियम बना दो भाई साहब, 3 कर दो। भाई पूरी रात हमने कैसे गुजारी हमें मालूम है, ना तो नींद पूरी हुई है और ना ही सोने में कोई मजा आया क्योंकि सीट और जगह ही इतनी थी। थैंक यू, जूस आ चुका है मौसमी का। भाई साहब 3 पकोड़े, 3 समोसे नहीं आ सकते, बिल्कुल मिल सकते हैं भाई साहब। ये तो आप लोग यही खाते हैं, कोई बात नहीं खा लेंगे। अरे यार डेली थोड़ी मिलते हो हमको, सही बात है गाइस। हम अपना मिर्ची बड़ा खाते हैं, कैमरा बंद करते हैं। भाई हमारी गाड़ी में तेल कम है तो अब पेट्रोल डलाएंगे इसके अंदर, क्योंकि सीएनजी स्टेशन पे अगर जाते तो रुक नहीं, मतलब उतारते हैं वो तो हम उतर नहीं सकते, लेकिन जो सीएनजी वाली गाड़ी होती है पेट्रोल से भी चलती है, तो पेट्रोल डलवाएंगे इसके अंदर। मोहित 200 का डलवा ले भाई, ये जो है लगभग 35-40 किलोमीटर का माइलेज देता है 1 लीटर पेट्रोल में। भाई 200 रुपए दे भाई। भाई थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हैं रेस्ट कर सकें, और भाई ऑटो में 24 घंटे वाली लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं है भाई, हालत ख़राब हो जाती है, पूरे शरीर की हालत ख़राब हो रखी है, शरीर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मेरे तो सर में भी दर्द हो गया क्योंकि नींद भी सही से नहीं आई। अभी हमारे चैलेंज में 2 घंटे और बचे हुए हैं, हिम्मत ही नहीं है कुछ बोलने की। और हमें लग रहा था ये बहुत आसान होगा, बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई, ना चलाना ना पीछे बैठना। भाई ड्राइवर एक बार फिर से चेंज हो चुका है और अब बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ 20 मिनट बची हमारा चैलेंज कंप्लीट होने में, और अब चला रहा है गाइस रिक्शा को अक्के ड्राइवर। और गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने सुसु कहां पे करी है क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं, तो उसके लिए राज बताता हूँ, एक ऐसे राज की बात जो कि किसी को नहीं पता। हमको आना पड़ता है ऐसे सुनसान जगह पे, ठीक है, जहाँ कोई नहीं हो। देखो जैसे यहाँ पे रोकी, यहाँ कोई नहीं है गाइस, अब इधर पे पूरा खुला है गाइस, तो ऐसे करके गाइस कुछ भी किया जा सकता है इसमें से। इस आइडिया के लिए लाइक कर देना गाइस। अरे ओढ़ क्यों लिया अभी, धूप से बचने में चद्दर काम आ रही है। और गाइस हमारा जो चैलेंज है वो हो चुका है कंप्लीट। भाई साहब बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गए इसमें, और हम अभी भी नहीं उतरे हैं क्योंकि हमारा कैमरा क्रू आगे है, अंकित वहीं लेके चल, वहीं उतरते हैं। अब बारी है फाइनली जमीन पर अपने कदम रखने की गाइस, क्योंकि चैलेंज कंप्लीट हो चुका है भाई। हाँ तो भाई साहब जो चैलेंज है इधर से डरता है गाइस, क्योंकि अब हमारे जो पैर हैं वो जमीन पर पड़ने वाले हैं 24 घंटे के बाद। हाँ पैर सीधे हो गए पहली बार, आए हाय हाय, इसमें पैर ही बड़ी मुश्किल से सीधे हुए हैं गाइस।
24 घंटे हम इस छोटे से रिक्शा के अंदर बिता चुके हैं भाई, और ये छोटा सा जो रिक्शा है ये 24 घंटे हमको लेके घूम चुका है। गाइज, ऐसे जो चैलेंजेस होते हैं उनको करने का अलग ही मज़ा होता है। जब तक करते हैं तब तक बहुत ज़्यादा चैलेंज लगता है, लेकिन जब कंप्लीट होता है तो जो है गाइज फील आती है बहुत ही ख़तरनाक वाली, जो कि अभी भी आ रही है। चैलेंज हो चुका है कंप्लीट। आप लोगों का काम पूरा नहीं हुआ, आपका काम है वीडियो के लिए लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्रेजी एक्सवाईजी फैमिली का पार्ट जरूर से सभी को गाइस बनना है। अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा करके बन जाइए भाई। भाई अपना ही परिवार है, आपकी फैमिली, आपका अपना चैनल है, तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। वीडियो के लिए लाइक आज के लिए इतना ही। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।